जो लड़की लड़के ने नहीं देखी, इस्लाम उसके लिए क्या रास्ता अख्तियार करने की तलकीन करता है? क्या उसके लिए लड़का और लड़की आज़ादी के साथ कहीं भी जाके मिल लें, घर में जब बुलाया जाए तब मुलाकात कर लें, क्या तरीका कार होगा? अक्सर माँ बाप अपनी बेटियाँ नहीं दिखाते, बेटी को कब देखना चाहिए? क्या अभी माँ बाप के दरमियान बातचीत तय भी नहीं हुई तो सबसे पहले लड़की को देख लिया जाए? या ये है कि सारे मामलात हो जाएं तो बस सिर्फ आखिर में एक लड़की का देखना बाकी हो तब देखा जाए? साल बिन अबू हस्मा अंसारी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी आदमी के दिल में किसी औरत से मंगनी की ख्वाहिश पैदा हो तो वो पहले उसे देख ले, इसमें कोई हरज नहीं है। हमने हुक्म देखा, अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि रसूलुल्लाह कैसे गाइड करते थे। मुगीरा बिन शोबा से रिवायत है कि उन्होंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसको देख लो, क्योंकि देखने में तुम दोनों में उल्फत पैदा होने की उम्मीद है। ये तिर्मिजी की 1087 नंबर रिवायत है कि अगर एक लड़का लड़की को देखता है और लड़की लड़के को देखती है और जायज तरीके से पेरेंट्स की मौजूदगी में या फैमिली में से कोई भी, यानी जैसे कुछ अच्छा है जहां भी लड़की जरा इजी फील करे, समटाइम्स ऐसा होता है बाप के सामने लड़की के हालात खराब होते हैं और महरम रिश्तेदार का होना तो बीच में जरूरी है, तो चचा है या मामू है जहां पे भी लड़की की कोई फ्रेंकनेस है या भाई है तो उसकी मौजूदगी में लड़के और लड़की के दरमियान थोड़ी सी बातचीत जरूर हो जानी चाहिए, चाहे सलाम हो, आपस में थोड़ी देर के लिए बैठे, ये वाजिब है। ऐसा हुक्म नहीं है देखने का जो ऑप्शनल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिकमत ये बताई है कि इसकी वजह से दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। हमारे यहाँ गैरत के नाम पर और ख़ानदानी रिवायात के नाम पर लड़के और लड़की को आपस में देखने नहीं दिया जाता, और बड़े फ़ख्र से ख़वातीन बताती हैं कि हमने तो देखा ही नहीं था, तो गलत किया था, नहीं देखा, देखना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, देखे अल्लाह के नबी की बात पूरी नहीं करेंगे तो जहाँ पर, यानी अजीब, अब कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में सारे लोगों ने शायद तय कर रखा है कि जो हुक्म है उससे ऑपोजिट जो तरीका होगा बस उस पर चल लेंगे। अब हुक्म दिया है कि लड़के और लड़की को आपस में एक दफा जरूर चांस दो कि वो एक दूसरे को देख ले, तो देखने का मौका देना चाहिए ताकि बाहमी मोहब्बत पैदा हो और ताकि वो एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी गिले बाद में माँ बाप से कर ले कि आपने इस तरह की लड़की देखी थी, ऐसा घराना था, वो एक बार देखने के बाद माँ बाप बरी उज़िम्मा हो जाते हैं। और हकीकत यह है कि लड़की के लिए बड़ा मुश्किल महाज है, किसी भी लड़के, खासतौर पर जो लड़कियाँ पर्दा करती, फेस कवर करती हैं, वो किस तरह से किसी के सामने, किसी लड़के के सामने अपने फेस को खोल दें, उनके लिए बहुत मुश्किल मोड़ होता है। इस वजह से ये बात जहन में रखिए कि ऐसा नहीं है कि सबसे पहला काम लड़की को दिखाना है, कि लड़की का बाप भी आ जाए कि आखिर वो उसका बाप है, चचा भी आ जाए, भाई भी आ जाए और बहनोई भी हो और साथ में और भी लोग हो, वो कोई, यानी कोई महरम नहीं है उसका लड़के के साथ, तो इसलिए कि निकाह के लिए उसके दिल को रग़बत हो जाए, लड़की के किसी, यानी लड़के के किसी कज़न को रग़बत हो गई या उसके भाई को रग़बत हो गई, ये मतलूब नहीं है। इस वजह से जो चीज़ जिस हद के अंदर कही गई उसी के अंदर रहना चाहिए, तो इसमें ना तो मुतालबा करना चाहिए कि लड़की को देखने के लिए पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो जाए, सबके सामने उसे पेश किया जाए मंगनी के मौके पर। हाँ, ख्वातीन के दरमियान बैठे हुए ख्वातीन तो देख सकती हैं, ख्वातीन के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन लड़के और लड़की की मुलाकात एक किसी महरम की मौजूदगी में इस तरह से ज़रूर हो जाए जिसकी वजह से यानी दोनों एक दूसरे को देख भी लें, थोड़ी सी बातचीत भी आपस में हो जाए, और यह है कि उन्हें पता भी लग जाए कि आपस में हमारी कशिश है या नहीं। हकीकत यह है कि बिल्कुल छोटी सी मुलाकात में भी डिसीजन करना आसान हो जाता है, और इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी बाद में गिले नहीं करते कि हमारे लिए किस नौइयत का फ़ैसला किया था और हमारे लिए अब घर बसाना मुमकिन नहीं है, और यानी इस हद तक भी गिले होते हैं कि मुझे तो उसकी आवाज़ ही अच्छी नहीं लगती और मुझे तो उसकी फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं लगती, फ़लाँ नहीं लगती, वहाँ बात भी हो जाएगी और शक्ल भी देख लेंगे, और ये है कि उसमें लड़की बहुत ज़्यादा, यूँ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बन संवर के सामने आएगी, चेहरा जो है वो सामने होगा, बाकी तो उसी तरह से बाकी बदन को वो नुमाया नहीं करेगी। निकाह सुन्नत है ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों का निकाह करवाया, और इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा
वो मुझसे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि निकाह करना जो है वो नबी ससम का हुक्म है। इसी तरह से लड़की को देख लेना भी हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।